गुरु साहब ने कहा से मेरी आत्मा ग्रंथ विच प्राण पंथ विच पूजा कार की परचा शब्द का अज सानू एक जरा सरपस्ती देने वाला सिद्धांत पंथ ते ग्रंथों नहीं मिल रहा। ग्रंथ की बर्बादी हुई असी देखी पंथ जरा नौकर बनिया जिन्हों पातशाही बख्शी सी गुरु साहब ने जिन्हों गुरु खालसा कह के नवाजिया जो पंच सिंह साजे सी उदो कंकण कवि लिखता वाहगुरु एक सुखन सुनाया गुरु खालसा नाम धराया तुम मेरे मैं तुमरा हुआ तुमरा हमरा गुरु न दुआ जग में हो पखंड अनेका जो मम सिख न माने एका तामन कर कोई पीत न चावे तो भी मम सिखन नहीं पावे जे बिद पौल गुरदई ते बिद तिन सो लीन आप तिनका चेला भया एओ सतगुरु कीन। गुरु दसम पातशाह ने आप खंडे बाटे दी पौल लेके ते आप सिंह सज के ते आप चेला ते आप गुरु खवाए उस गुरु साहब ने सानू जो पंथ ते ग्रंथ दा सिद्धांत दिता है ये जिंदा रहेगा ते साडी कौम चढ़दी कला च रहेगी साडे धर्म दी धरोहर साडे धर्म दी धरोहर चढ़दी कला च रहेगी कि समा सी जदों काल तख्त मीर ते पीर दा कंसैप्ट सी गुरु नानक साहब जी दे संकल्प अनुसार मीर अकाल पुर सच्चा वाहगुरु पीर पैगाम देने वाला पैगंबर साडे गुरु अज ना मीर दिसदा ना पीर दिसदा ए मीर ते पीर दा तख्त अज बाबर नूं सलाम करदा ए साडियां कमजोरियां कदों दूर होणगियां जे कमजोरियां दूर ना होईयां साडी कौम दा कोई भविख नहीं साडी कौम दे गरीब बच्चे रुल के उहनां नूं एजुकेशन नहीं मिल रही असीं बीमार हो के रुल के सानूं हॉस्पिटल च सेवा नहीं मिली साडे नूं ईसाई भरावां दा मिशन अज उत्ते नंबर लैके जा रहा जिहड़े सेवा संभाल करदे ने गरीबां दी ते गरीब बच्चा नूं फ्री पढ़ाउंदे ने नाल प्रेरदे ने कि साडा धर्म अख्तियार करो अज साडे गरीब बच्चे ईसाई बन के ये विद्या प्राप्त करन लई मजबूरियां दे विच 3+2 तक विद्या प्राप्त करन लई ईसाई बन रहे ने पर साडी किसे संस्था ने उहनां गरीबां दी बाह नहीं फड़ी जिहड़ी जे गरीबां नूं एजुकेट करन लई गुरु साहब ने प्रथा चलाई सी दसवंध दी अमीर आदमी दसवंध देण गरीब दसानों की किरत करने वाले दसवंध देण ते लोड़वंद गरीब बच्चों की एजुकेशन होवे उन्हां दी पढ़ाई होवे गरीब का इलाज होवे भुखे नूं प्रसादा मिले यात्रु की इज्जत होवे गुरु घर च गयां दी अज मैं गुरु घर गुरु साहब जी के चरणों च खड़ो के तुहानूं दसदा जिहड़ियां सरावां तुहाडे लई बणाईआं बाबिआं ने टोकरियां ढो के लैंटर पवाए ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਸ਼ਕਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5-5 10-10 20-20 25-25 50-50 ਅਫਸਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਮਰਾ ਮਿਲਦਾ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਹਨਤ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਸਮਾਂ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਛਤਾਓਗੇ ਮੈਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚ ਰਹੀ ਜੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਬਚ ਰਹੀ ਜੇ ਨਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬਚ ਰਹੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਿਗੁਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤਾਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ 98 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ 2+100 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਖਵਾਏ ਅੱਜ ਉੱਥੇ 68 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਕਦੋਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦਲੈਕ ਲੀਡਰ ਆਏ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇ ਪੈਂਦੇ 98 ਸਾਲ ਦੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਉਹ 68 ਸਾਲ ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਦਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਨੌਕਰ ਬਣਾਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਕਰ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਉਹ ਬਾਬਾ
हरदास वाली सुनहरी पोथी किथे गई। 205 ग्रंथ लड़ीवार सरूप तेग चलाउन वाले सिखा ने दीवे बाल बाल के लिखे। उदो कागज हासिल करना सौखा नहीं सी। उदले ग्रंथ ने उन्होंने उन्होंने उत्ते दसम पातशाह दे साइन, गुरु तेग बहादुर साहब दे साइन, हरगोबिंद पातशाह दे साइन, गुरु हर राय साहब जी दे साइन। इस तो वड्डी गरंटी केड़े सरूप की मिल सकती है? पर जे सरूप 205 सरूप 28 हुक्मनामे असल, दो जन्म साखियां दे खरड़े असल, दो दसम ग्रंथ पुरातन, ये साड़ी कमेटी चो गायब हो चुके ने, कोई जवाब नहीं दे रहा। मैं तुहानू गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी दस रहा, जे असी ना लाए ये सानू ना मिले तो गुरु ग्रंथ साहब दे विच हेरा फेरी होगी, एक दिन मिलावट होगी, साडा धर्म तबाह होगा। ये असी लापरवाही दे विच अपने जीवन बतीत ना करिए, अपनी जिम्मेवारियां नू संभालिए। अकाल पुरख सच्चे वाहिगुरू कृपा करे, तुसी चेंज लियाओ। ये जिन्नी देर तक पुलिस रिपोर्ट नहीं होंगी उन्नी देर तक सानू सरूप नहीं मिलने। सरूप भावें किते गए होण, जदों पुलिस रिपोर्ट करांगे उदों हासिल होने, नहीं तो नहीं होने। साडे वड्डे वड्डे घपले हो रहे ने, कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं होंगी, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट होवे उतों तक ना जांदा। अज जिहड़े अज सुक्कियां रोटियां वेच के करोड़ रुपया हजम कर गए, वो करन वालियां दे टैलीफोनां चों उन्हां दी बैंक रिकॉर्ड दे विचों सानू प्राप्त होया सारा कुछ, कि उतों तक पैसे जांदे सी। यह सारा कुछ उदों मिल सकता जो पुलिस रिपोर्ट करांगे। पुलिस थाने दे विच पुछे तेरे पिछे कौन है, तां सानू असलियत मिलनी। साडे गुरु घर दीआं जमीनां 12-12 करोड़ दा किला तबादला हो रहा, 50 लख दे किले नाल, 45 लख दे किले नाल, 30 लख दे किले नाल, 12 करोड़ दे किले दा तबादले हो रहे ने, पैसे खा रहे ने, लीज ते लै रहे ने। गुरु घर दीआं जमीनां, गुरु घर दा पैसा, ट्रस्ट अपने नां ते। कदी होया कि ट्रस्ट अगे ट्रस्ट बनाई जावे? प्रबंधक कमेटी आप ट्रस्ट आ, वह अगां ट्रस्ट बनाई जा रही है। वह ट्रस्ट बना के साडे लीडर एक अदारा बनाउंदे ने, जिहड़े NRI दीआं 28-28 लख ते 18-18 लख 30-30 लख रकम आउंदियां ने वह जेब च जांदियां ने, ते जिहड़ा घाटा पैंदा वह दरबार साहब दे खाते चो 2 करोड़ घाटा भेज दे। तो साध संगत जी, गुरु ग्रंथ साहब यूनिवर्सिटी बनी 400 करोड़ रुपया ला के, फतेहगढ़ चौंक ताला लगा पिया जी, तुहाडे नेड़े जाके दर्शन करो। बंदा सिंह बहादुर कॉलेज बंद पिया जी, 11 कॉलेज ने जां बंद ने जां घाटे जा रहे ने, बच्चे है नहीं। 37 स्कूल ने जां बंद पए ने जां घाटे जा रहे ने, बच्चे है नहीं उन्हां च। जिहड़े बच्चों नूं तुसीं कॉन्फ्रेंसां च लैके जाओ, जिहड़े बच्चों के स्टाफ नूं तुसीं कॉन्फ्रेंसां जाके सुखबीर की हाजरी लवाओ, उत्थे किहड़ा स्कूल है जिहड़ा कितें नंबर लै जाऊ, जिथे एजुकेशन मिल जाऊ। अपने गुरु घर नूं बचाइए तगड़े होके। खास करके मैं बीबियां भैणां दे चरणां च बेनती करदा, माई भागो दीआं बच्चियां बन के, जिवें दसम पातशाह दा माई भागो ने साथ दिता सी, इस तरह धर्म दा साथ दिओ। धर्मे तगीए, धर्म ही नाल लिभदा, धड़े नहीं नाल लिभदे। ये धड़े इत्थे रह जाणे ने जां मर जाणे ने। तो मैं तुहानूं आखरी गल कहण लगा, जिन्हां ने ये प्रबंधक कमेटी का खजाना दिता रैफरेंस लाइब्रेरी चो, वह सानू जवाब नहीं दे रहे। 36-37 ने जिहड़े लख लख तनखा लेंदे ने, प्रधान सकत्तर जवाब नहीं दे रहे, लीडर साडे जवाब नहीं दे रहे। जे ये खजाना सानू नहीं मिलिया तो गुरु ग्रंथ साहब दे विच हेरा फेरी होगी, ये चेंज होगा, इहदे विच साडियां लड़ाइयां पैणगियां। सानू धुरकी बाणी असीं नहीं कह सकांगे कि साडे कोल आ। अज जिहड़ियां छापे दीआं बीड़ां चों गलतियां आ रहियां ने, असीं उन्हां नूं कढ सकदे हां, ते पुरातन बीड़ां तों अगवाई लै के कर सकदे हां। पुरातन बीड़ां साडे सामणे होणगियां तां असीं इहदे विच जिहड़ियां गलतियां, एक एक सरूप ते 4-4 सरूप बणे पए ने, उन्हां नूं सोध सकदे हां। नहीं ते साडे कोल कोई ज़रिया नहीं। जिन्हां ने दित्तियां बीड़ां उह मर गए ते कुछ मर जाणे आ, मेरे वर्गे पुछण वाले कुछ मर गए मर जाणगे, असीं वी मर जावांगे, पर उहदे बाद च कोई पुछण वाला नहीं रहेगा ना दसण वाला, साडा धर्म तबाह हो जाऊगा। इस बीड़ दे बदले, इस बाणी दे बदले गुरु नानक तों लैके दसम पातशाह ने 8 शहादतां दित्तियां। जदोजहद मुगलां ने कीती तां इह बाबे क्या दी पातशाही कायम होई, जिहनूं बाबर ने सलाम कीता, जिहनूं कदी बहादुर शाह जिहड़ा बंदा सिंह बहादुर तों थर थर कंबदा सी, उह चिट्ठी लिखदा, अवन लिओ सलाम हमारी, तुम फकीर हम आया धारी, और हम तुम एक गुर के दास, याही ते गुर भाई खास, करामात तुझमें गुर पाई, शाही उन मुझको संपाई,
कीन भला तुम हत्यो वजीदा गुरवा कल पर धरियो अकीदा और मनाई मैं बड़ खैर तै जो लियो गुरपूतन बैर। तू गुरु दे पुत्रां दा वैर लिया मैं खैर मनाई पर मतलब दी गल करदा राहे सरंदे चाहू मैं जाया रस्ता दियो मुझे कर दाया कहो तो तुम तक मिलने आऊं कहो तो दूरों दूर सुनाऊं। बंदा सिंह समझ गया मेरे नाल धोखा करूंगा। बंदे ने कहा चले जा मेरे को आई पर 80,000 की सेना लैके उन्हें किले नूं घेर लिया। वह बादशाह मानता सी बाबे ते बाबरकियां दी रीत की है उहदा गां पुत्र फरक्षर बादशाह वह मानता सी बाबरे बाबे और बाबर के दो आप करे परमेश्वर सो ए प्रातन रवायतों अनुसार यह दीन की पातशाही मनेगी। अज दीन की पातशाही दुनिया की पातशाही के पैर थले रुलती पई है। अपना सिखो कोई जीवन वाला धर्म नहीं असि भेखी सिख बन के गुरु के नाम की कलंकना बड़ी असि अपने अंदर अपनी सुरत न शब्द का रस दे के अपने आप को जिंदा करके अपनी कौम जीवन जीवन देिए अपनी कौम के भविख न बचाईए गरीब बच्चों की एजुकेशन देिए लोड़वंदा के इलाज लिए हॉस्पिटल देिए गुरुद्वारों के फौजी ना हो गुरुद्वारों के जो लीडर के रखवाले फौजी ते पुलिस वाले ना होने शराबा ना पीन साडे सिख संगत जावे जे रूहानियत लैण वास्ते जांदे असीं ये सारा कुछ आसानी ना कर सकते क्योंकि सानू गुरु साहब ने सिधांत दिते ने उह सिधांत गुरु घर च लागू होणगे साडी कौम नूं जीवन मिलेगा और ये अकाल पुरख की सत्ती पातशाही दे अगे दुनिया दीआं सरकारां मत्था टेकणगीआं तुसीं देखोगे। सो मेरीआं इन्नीआं क बेनतीआं स्वीकार करो ये माहौल बनिया चेंज दा इह च चेंज लियाओ साडियां संस्थावां जिउंदियां रहन बचियां रहन असीं इहनां तों लाहा लैके जीवन प्राप्त करदे रहिए।